हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ अगली डगलिंग सीरीज़ का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को ना देखा हो देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। निंग और सुआ के झगड़े के बाद निंग गुस्से में वहाँ से चली आती है। सुआ अपने स्लीपर फिक्स करता है और फिर इन दोनों से कहता है कि चलो हम चलें। जू कहती है अभी भी हमें जाना चाहिए। इस पर ये कहता है ऑफ़ कोर्स मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर खाते खाते सुआ उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है अभी मेरी गलती थी, अपनी टूटी हुई स्लीपर सही करने में कोई प्रॉब्लम है क्या। जू कहती है निंग तुम्हें लेकर वरिड होगी, शायद वो नहीं चाहती होगी कि तुम्हें इन चीज़ों से हर्ट हो। सुआ कहता है तुम तो बड़ी डिप्लोमेटिक हो, तो फिर ये बताओ कि अब मुझे क्या करनी चाहिए। जू कहती है गलती तुमसे हुई है तो सॉरी भी तो तुम ही बोलोगे ना। देन सुआ उसकी बात मानते हुए निंग को कॉल कर एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उससे सॉरी बोलता है और अपना गर्ली भी उसके इस बिहेवियर पर एक बार फिर से उस पर फ्लैट हो जाता है। नेक्स्ट जू अपनी नैनी की हेल्प से एक न्यू प्लेस पर मूव कर रही थी, तभी सुआ उन्हें देखता है जो उसके बगल वाले रूम में निंग के साथ रहता था। देन उसके पूछने पर ये कहती है जब तक कि हॉस्टल की सीलिंग रिपेयर नहीं हो जाती है मैं यहीं रहूँगी। इधर उसकी नैनी भी सुआ को देख लेती हैं और अपने सामने में इतने हॉट बंदे को देख कर उस पर लट्टू हो जाती हैं। अपने आप को अवेलेबल एंड अनमैरिड बताती हुई उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। जू ट्राई तो काफ़ी करती है बट वो आज अपने पूरे फॉर्म में थी, उसकी कोई भी बात नहीं सुनती हैं। फिर बाद में उसकी नैनी जू से सुआ को उसका बॉयफ्रेंड बना लेने के लिए कहती हैं। जू जब उन्हें बताती है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, इस पर इनका कहना था तो क्या हुआ, गर्लफ्रेंड है कोई वाइफ नहीं, उससे ब्रेकअप भी तो हो ही सकता है ना। फिर दोनों उनके लिए नेसेसरी चीज़ें खरीदने के लिए शॉपिंग जाने का प्लान करती हैं। आफ्टर शॉपिंग दोनों एक रेस्टोरेंट में आती हैं। वो ऑर्डर कर ही रहे होते हैं कि तभी जू निंग को वहाँ पर देखती है जो एक आदमी के साथ में थी। जू खुद को छुपाने लगती है क्योंकि सबकी नज़रों में वो एक पुअर गर्ल थी, सो वो कैसे इतने बड़े से रेस्टोरेंट का फूड अफोर्ड कर सकती होगी, दैट्स वाई वो छुप रही थी। तभी वो उन दोनों की बातें सुनती है जो उनके पास ही एक साइड पर बैठे थे। उसके साथ में जो लड़का था उसका नाम है टॉट। वो निंग पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो उसके होते हुए भी किसी दूसरे लड़के को डेट कर रही थी। यहाँ पर सीन ये है कि टॉट निंग के पेरेंट्स की चॉइस है एंड ये लड़का उसे पसंद भी बहुत करता है, और ऐसा भी नहीं है कि निंग उसे नापसंद करती है। आई थिंक आप इनका सारा मैटर समझ ही गए होंगे। जू उनकी ये बात सुन लेती है और सुनकर हैरान भी होती है क्योंकि उसने सुआ को स्टार्टिंग से ही निंग के साथ सीरियस देखा था। सुआ सीरियस था और निंग पीछे से उसे चीट कर रही थी। जू छुपने का तो काफ़ी ट्राई कर रही थी बट लास्टली निंग उसे देख ही लेती है, लेकिन जू उन्हें एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर निंग भी थोड़ी घबरा सी गई थी क्योंकि उसे भी पता था कि जू ने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था और उनकी सारी बातें भी सुन ली थी। आगे जू घर पर ये सोचकर कंफ्यूज हो रही थी कि वो निंग वाली इस बात को सुआ से बताए या नहीं। नेक्स्ट डे नोई अपने फ्रेंड से ये बताती है कि पिछले दिनों सीनियर तुई ने उससे उसका नंबर मांगा था और आज वो मुझे बार बार फैटी फैटी टेक्स्ट कर रहा है। ये दोनों कहते हैं लगता है अपने सीनियर को हमारी क्यूट सी फ्रेंड से प्यार हो गया है। इस पर नोई तो शर्मा शर्मा कर लाल हुई जा रही थी। नेक्स्ट दिन में ये दोनों फ्रेंड्स एक डीवीडी शॉप पर आते हैं जहां उन्हें सुआ मिलता है जो वहां पर पार्ट टाइम जॉब करता था। बातों ही बातों में उनका साथ डिनर करने का प्लान बन जाता है। सुआ निंग को भी उनके साथ इनवाइट करना चाह रहा था सो वो उसे कॉल करता है बट निंग आगे से उसे कुछ एक्सक्यूज करती हुई मना कर देती है। इसी बीच उसकी निंग को लेकर सीरियसनेस देख जू स्टिल कन्फ्यूज ही रहती है कि निंग के बारे में उसे बताऊं या नहीं। इसके बाद उनकी पार्टी स्टार्ट होती है
जहाँ ये सारे बहुत इंजॉय करते हैं, और ख़ासकर इस बात से कि नुई और तुई दोनों डेट करने लगे थे, सो सडन हुए उनके बीच के प्यार से सभी उनकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। देन सुआ उनके पूछने पर उनसे कहता है उसका आज रात को भी नाइट शिफ्ट है। जू उससे पूछती है कि तुम इतना ओवर टाइम क्यों करते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं? इस पर वो कहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने मुझे जब मैं छोटा था तभी छोड़ दिया था, सो अपनी सारी एक्सपेंसेस कैरी करने के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है। जू को उसके बारे में ये जानकर थोड़ा बुरा लगता है, कहती है, इसके बावजूद तुम इतने वंडरफुल पर्सन हो, तुम बहुत अच्छे हो, इतना सब के बाद भी हमेशा कूल रहते हो। नेक्स्ट डे जू को निंग मिलती है, जो उसके साथ बात करना चाह रही थी। निंग उसे उस दिन के उस लड़के को लेकर क्लियर कर रही थी, कहती है, टॉट मुझे काफ़ी टाइम से पसंद करता है, वो भी बहुत ज़्यादा, बट मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। हम दोनों के ही पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं एंड वो चाहते हैं कि हम शादी कर लें, सो हमें मिलना पड़ता है। जू कहती है, ये फेयर तो नहीं है ना, सुआ तुम्हें लेकर कीता सीरियस है। निंग कहती है, मेरे पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वहीं टॉट काफ़ी रिच है। ये सुनकर तो जू सुआ की तारीफों में लग जाती है कि कैसे वो अकेले ही हर चीज़ इतना अच्छे से मैनेज करता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो निंग भी हैरान हो जाती है कि आखिर क्यों ये उसकी इतनी साइड ले रही है। फिर उससे कहती है, मैं ट्राई कर रही हूँ अपने फैमिली को कन्विंस करने की, तब तक तुम टॉट वाली इस बात को अपने तक ही रखना। नेक्स्ट दिन में बी और जू बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी जू को निंग की कॉल आती है, जो उससे एक फेवर मांग रही थी कि प्लीज़ अभी के अभी मेरे रूम में जाकर वहाँ से सुआ के सारे स्टफ़ हटा दो, कहीं छुपा दो, या फिर उन्हें अपने रूम में रख लो, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स टॉट के साथ मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे डैड बड़े स्ट्रिक्ट और ख़तरनाक हैं, एक बार तो उन्होंने मुझे सुआ को सूट करने की धमकी तक दी थी, सो इस बार प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। वो अपनी स्पेयर की भी उसे कहाँ रखी है बताती है। ये सब सुनकर जू और बी दोनों ही निंग के रूम आते हैं और फटाफट वहाँ से सुआ का सारा सामान अलग कर उन्हें जू अपने रूम में ले आती है। थोड़ी देर बाद निंग भी अपने पेरेंट्स के साथ आ जाती है एंड उनके साथ टॉट भी था, जो उनके सामने खुद को निंग का बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनकर तो एक पल के लिए बी को भी झटका लगता है, फिर जू के इशारा करने पर वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में बी जू से कहता है, हमारी सीनियर कितनी चालू निकली, वो तो टू टाइमर है, एक ही टाइम पर दो अलग अलग लोगों को डेट कर रही है, सुआ कितना अच्छा है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। जू उससे कहती है, तुम प्लीज़ सुआ को इस बारे में कुछ मत बताना। आगे सुआ जू के पास आता है, उसे पूछता है, कुछ हुआ है क्या? निंग के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स पड़े थे और जब मैं उसे बैक कॉल कर रहा हूँ तब वो आंसर नहीं कर रही है। जू उसे बताती है, कहती है कि निंग के मॉम डैड उससे मिलने आए हैं। सुआ कहता है, तब तो मुझे अपने फ्यूचर इन लॉज से ज़रूर मिलना चाहिए। जू बहुत मुश्किल से उसे रोकती है क्योंकि वो तो वहाँ जाने की जिद ही किए जा रहा था। जू उससे कहती है, निंग के डैड बड़े ही खतरनाक हैं, हमने कितने मुश्किलों से तुम्हारा सारा सामान वहाँ से हटाया है, तुम्हें अभी उनसे नहीं मिलना चाहिए। सुआ मान तो नहीं रहा था बट जू उसे अपने साथ रोक ही लेती है। आगे फिर इवनिंग में वे रूम आते हैं, निंग उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स जा चुके हैं। सुआ जू से कहता है, अब तुम भी जाओ और रेस्ट करो, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। सुआ निंग के साथ अंदर चला जाता है और इधर जू वहीं पर खड़ी होकर उसी के बारे में सोचती रहती है क्योंकि सुआ उसके साथ स्टार्टिंग से ही स्वीट था, एक अच्छा पर्सन था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग भी था। इन सब से जू को उसके लिए बुरा लग रहा था, शायद इसके अंदर भी उसे लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। सो ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।